फोकस कर रहे हैं। दरअसल 3 महीने में पीएम मोदी का चौथा छत्तीसगढ़ दौरा आज रहेगा। जगदलपुर दौरे पर पीएम मोदी आज रहेंगे। बस्तर में सभा को संबोधित किया जाएगा। 26,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। इसके अलावा एनएमडीसी स्टील लिमिटेड इस्पात संयंत्र का भी लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। बस्तर जो कि नक्सल प्रभावित गढ़ है, नक्सल प्रभावित इलाका है, ऐसे में सभा स्थल के 150 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ती रहेगी। बड़ी संख्या में जवान यहां तैनात रहेंगे। लेकिन इसके इतर सियासी समीकरण काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं बस्तर के, क्योंकि पीएम मोदी आज बस्तर दौरे पर रहेंगे और बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनका लगातार बस्तर दौरा ये बताता है कि बस्तर जीतना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने अपनी जगह आरक्षित करने के लिए 2 घंटे पहले यहां लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पखांजूर से आए हैं, कांकेर जिले से। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया बताइए कहां से आए हो और क्यों? हम लोग आया पखांजूर से। यहां से 270 किलोमीटर है। कल रात को गाड़ी में बैठा, रात भर खाना नहीं खाया, सिर्फ मोदी जी को देखने आया है। मोदी जी, मोदी, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। बतौर प्रधानमंत्री चौथी बार बस्तर आ रहे नरेंद्र मोदी को देखने और उन्हें सुनने बस्तर के लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ 2 घंटे से अधिक का समय बाकी है और अलग अलग टुकड़ों में बटे लोग जो है मोदी के जयकारे लगा रहे हैं। उन्हें सुनने अपनी जगह पहले से आरक्षित कर रखी है ताकि वे बेहतर तरीके से मोदी को सुन सकें, उन्हें नज़दीक से देख सकें। सभा स्थल पर अभी काफ़ी भीड़ जुटनी बाकी है और एक यह संभावना भी बन रही है कि मोदी का संदेश सुनने के दौरान भी इस तरीके के नारे उनके चाहने वाले लगाएंगे। कैमरा पर्सन कर्ण प्रताप के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र